हेलो फ्रेंड, सुमन एक्सपेरिमेंट में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोग के सामने एक टच एलईडी लाइट बनाने जा रहा हूँ। यस दोस्तों, जिसे हम अपने फिजिकल टच से केवल वो ऑन हो जाता है। इसके लिए हम लोगों को तीन सामान की जरूरत है, मात्र तीन। पहला, एक रिले मॉड्यूल। ये रिले मॉड्यूल जो हमने खुद से डिजाइन किया है, आप देख सकते हैं, ये मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। इस रिले मॉड्यूल का कॉस्ट 100 रुपीज है। दूसरा, ये एक टच सेंसर है। आप देखिए, ये एक टच सेंसर है, ये भी मार्केट में आपको 100 रुपीज में ये टच सेंसर मिल जाएगा। तीसरा, ये आपका 3.7 वोल्ट का बैटरी। बस हमें तीन चीज़ों का जरूरत है और हम लोग एक बहुत ही बढ़िया टच एलईडी लाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने अब इसका कनेक्शन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग को वायर लेना होगा और इस वायर को हम लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम इस टच मॉड्यूल को, जो टच सेंसर है हमारा, इसे हम कनेक्शन करते हैं। तो देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहला हमारा VLCC है, VLCC जो कि पॉजिटिव होगा, GND ग्राउंड होगा और एक हमारा अर्थ होगा। तो देखिए, ये इसका कनेक्शन करते हैं। VLCC को हम लोग प्लस में करते हैं VLCC हमारा बीच में है, इसीलिए हम लोग इसे प्लस मानते हैं, जिससे हम रेड वायर जोड़ लिए हैं। अब GND जो कि ग्राउंड है, इसे हम ब्लैक में कनेक्ट करते हैं। हम लोग अब ग्राउंड इसे जोड़ते हैं। अब इसका जो आउटपुट पिन है तीसरा, ये हम लोग एक जो हमारा वायर बच गया, आउटपुट पिन को हम लोग ऐसे जोड़ते हैं लास्ट वाले। देखिए, ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस रिले मॉड्यूल को, जो हमने खुद से तैयार किया है, इसका कनेक्शन करते हैं। ये जो हमारा कैपेसिटर है, इसमें हम लोग प्लस डालते हैं। ये कैपेसिटर में ये माइनस का साइन है, ये हमारा माइनस होता है। ये जो साइन इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये ब्लू टाइप का है, इसमें हम लोग प्लस जोड़ते हैं। तो हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं। पहला पॉजिटिव हमने जोड़ लिया है, नेगेटिव जोड़ते हैं। नेगेटिव भी हमने जोड़ दिया है, उसके बाद हम लोग इसको आउटपुट जोड़ते हैं, जो कि हमारा, देखिए यहाँ से आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो आप देख लिए, ये देखिए इसका आउटपुट हम लोग कनेक्शन। ये हमारा आउटपुट कनेक्शन हो गया, माइनस प्लस हो गया है, ये हमारा रिले मॉड्यूल में, और ये हमारा जो टच मॉड्यूल है, जिसे हम टच सेंसर करते हैं, इसका भी कनेक्शन कर दिया। अब हम लोग इसका प्लस को इसके प्लस के साथ जोड़ते हैं, इसके प्लस के साथ ये प्लस जोड़ते हैं, उसके बाद इसका माइनस के साथ इसके माइनस को जोड़ते हैं, इसके आउटपुट के साथ इसके आउटपुट को जोड़ते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा कनेक्शन हो गया है। हम लोगों ने क्या किया, इसका माइनस इसके माइनस के साथ जोड़ दिया है, इसका प्लस इसके प्लस के साथ, और इसका आउटपुट इसके आउटपुट के साथ जोड़ दिया हम लोगों ने। अब इसके माइनस में हम लोग
बैटरी को बैटरी का माइनस में हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे। इसका ये माइनस इसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं। हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। अब इसका पॉजिटिव ये है जो कि हम लोग इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव में जोड़ते हैं। और ये जैसे पॉजिटिव में जोड़ेंगे ये हमारा रिले ऑन हो जाएगा। ये हमारा रिले, ये रिले हमारा ऑन है। देखिए अब जो है इसका कनेक्शन हो गया। देखिए ये हमारा टच सेंसर बैटरी और ये हमारा रिले मॉड्यूल। अब हम लोग इसको अंदर में इस बॉक्स में इंस्टॉल करते हैं। और हमारे पास जो दो वायर है ये बल्ब का वायर है, ये देखिए बल्ब का वायर है। इस बल्ब के वायर को इसके हम लोग रिले में इसका कनेक्शन करते हैं। इसके रिले में हम लोग इसको कनेक्शन करते हैं। एक का वायर जोड़ लिया, दूसरा का वायर जोड़ लिया। ये दूसरा भी कनेक्शन हो गया। अब ये सारा कनेक्शन हो गया। अब इसको हम लोग ये जो हमारे पास ये ग्लास है, ये शीशा है, ये हम लोगों ने ग्लास लिया हुआ है। और जितना भी ये हमारा टच सेंसर हो गया और ये रिले मॉड्यूल हो गया, इसको हम लोग अंदर डालते हैं। सेंसर को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग नीचे से एक साथ देते हैं। ये हम लोग सिंपली इसे ऐसे एक साथ देते हैं। ये टेप हम लोगों ने साट दिया। आप इसमें ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं। आप इसे टेप ना साट के ग्लू गन लगा सकते हैं इस पे। देखिए ये हम लोगों ने टेप को साट दिया। अब इसे हम लोग बंद कर लेते हैं। ये हमारा बंद हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि ये हमारे पास जो एलईडी बल्ब है, इस एलईडी बल्ब को हम लोग इसमें लगाते हैं। ये सिंपली लग गया है एलईडी बल्ब। अब देखते हैं कि ये हमारा टच सेंसर काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये कंप्लीट सर्किट बना है, ये काम वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अब देखिए, अब जैसे ही हम अपना फिंगर, ये जो हमारा फिंगर है, इस प्लेट में जैसे ही टच होगा ऑटोमेटिकली जल जाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए जैसे इसको ऑन करते हैं, इसको फिर से हम ऑफ करना है, तो हम जैसे ऊपर में देखे रखेंगे और ये ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। दोस्तों ये इतना सेंसिटिव है कि हम इसे टच नहीं कर रहे, बस इसके ऊपर रख रहे हैं और ये ऑन ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैमरे में, आप इसे देख सकते हैं कैमरे में कि ये केवल हमारा फिजिकल टच नहीं हो रहा है। देखिए हम लोग, ये हमारा जो है ये हमारा टच नहीं हो रहा है सेंसर में और ऑटोमेटिक ये जल जा रहा है। देखिए हमारा ये जो है आपका मिरर नीचे है हमारा, देखिए ये हमारा मिरर,
ये जो हम लोग ग्लास लगाए हैं ये हमारा ग्लास है और इसके इसके ऊपर केवल हम लोग टच करने से ही ऑटोमेटिक, ये इतना सेंसिटिव है कि केवल ऊपर में रखने से ही ऑन ऑफ होता है। देखिए हम लोग कुछ, ये जो हमारा इतना सेंसिटिव है ये हमारा टच सेंसर कि केवल ऊपर रखने से ही ऑन ऑफ हो जाता है। देखिए हम लोग टच नहीं करेंगे, बस ऊपर रखेंगे, ऑन हो गया। अब फिर से हम इसको रखते हैं ऊपर, ये ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा, देखिए ये हमारा देख रहे हैं, ये हमारा ग्लास है जो कि हम लोग इसके नीचे सेंसर को लगाए हैं और इसके ऊपर हम देखिए छोटा है और सीधा ऊपर मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो कमेंट कीजिए, और आप हमारे चैनल पर बने रहें। मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ, तो और एक बार आप इस टच लाइट को आप देखिए। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, तो थैंक यू।